हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। निलंबित सहायक अध्यापक ने खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए पर लगाया आरोप। अध्यापक ने की प्रेस वार्ता। बीए टेम्पर्ड मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वेतन भुगतान करने के दिए सख्त आदेश। परसदी स्कूल के शिक्षकों व बच्चों की बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, स्कूलों को मिलेंगे टैबलेट। भोजन व ड्रेस की समस्या पर छात्रों ने किया हंगामा। टीम बनाकर डीएम, सीडीओ व एसडीएम समेत कई अधिकारियों ने किया बेसिक स्कूलों का निरीक्षण। 3 शिक्षक मिले गैर हाजिर। महिला शिक्षा मित्र ने एडवांस में किए विद्यालय रजिस्टर पर हस्ताक्षर, हुई कार्यवाही। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किस में निहब यूट्यूब चैनल पर। निलंबित सहायक अध्यापक ने खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए पर लगाया आरोप। अध्यापक ने की प्रेस वार्ता। निलंबित वाराणसी 24 जुलाई 2022 दिन रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 1 बजे प्राणकर भवन मैदागिन में प्रमोद सिंह फौजी निलंबित सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय कृष्णापुर खुर्द पिंडरा वाराणसी द्वारा बेसिक शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधी प्रेस वार्ता संपन्न हुआ। इस प्रेस वार्ता में प्रमोद फौजी द्वारा बताया गया कि किस प्रकार बेसिक शिक्षा विभाग में न्याय के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते हुए किस प्रकार भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा को पार कर रहा है। निलंबन का रेट तय करने वाले एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमान मंगरू राम जी को नोटिस तक जारी न करना, जबकि प्रमोद फौजी को स्वास्थ्य कारणों एवं कार्यालयीय कार्यों में व्यस्तता के कारण तथा कथित सीडीपीओ को ना पहचान पाने के कारण सम्मान में कुर्सी से मात्र ना उठना मेरे निलंबन का कारण बना, और निलंबन भी इतना जटिल जिसकी जांच 7-8 महीने से अब तक चल रही है, और वह भी उस परिस्थिति में जब महानिदेशक महोदय का सख्त निर्देश है कि 1 माह में निलंबन से संबंधित सभी मामले सुलझा लिए जाएं या उनकी जांच पूर्ण कर ली जाए। अर्थात एक शिक्षक कुर्सी से सम्मान में ना उठ सका तो सालों निलंबित रहे, और एक भ्रष्टाचारी उसमें 2 लाख मांगे तो कोई भी कार्रवाई नहीं होगा। क्या यही न्याय है? बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जो संक्षेप में निम्न है। 1, स्वास्थ्य कारणों से एवं उपरचित होने के कारण सम्मान में कुर्सी से नहीं उठने के बहाने बिना स्पष्टीकरण मांगे निलंबित कर देना। 1.5 साल तक निलंबन रखने की बीएसए महोदय से राकेश सिंह जी द्वारा धमकी देना। स्कूल में जबरदस्ती स्कूल से मुझे भी अपने वेतन से खर्च करने पर मजबूर करना। निलंबन काल में जबरदस्ती चुनाव जैसा संवेदनशील ड्यूटी कराया जाना। आरटीआई के माध्यम से प्रकरण से संबंधित 200 आवेदनों में से एक का भी जवाब न देना। भ्रष्टाचार की जांच करने वाली समिति द्वारा पक्षतापूर्ण रवैया महसूस होने पर समिति को भंग करने के निवेदन के बावजूद समिति गठन करता अधिकारी बेसिक महोदय श्री अवध किशोर सिंह द्वारा समिति को भंग न करना। स्वयं एडी महोदय द्वारा यह कहना कि तुम्हारे गांव तक तुम्हारे बारे में सब पता करवा लिया हूं, कहीं न कहीं से यह चार को दबाने के प्रयास में मुझे धमकी या मुझ पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, समिति द्वारा भ्रष्टाचार को दबाने के क्रम में मुझे आनंद फानंद में एक नोटिस जारी की गई, जिसमें कमेटी के एक सदस्य का फर्जी हस्ताक्षर भी किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमान मंगरू राम जी ने शासन द्वारा स्वीकृत छुट्टी को अपने आदेश से निरस्त किया। इस प्रकार प्रमोद फौजी ने जब तक न्याय नहीं तब तक संघर्ष जारी रहेगा कहते हुए यह भी बताया कि शीघ्र ही जिलाधिकारी महोदय विभाग एवं शासन के उच्च अधिकारियों से मिलकर न्याय की गुहार लगाई जाएगी। यदि मामले को दबाने का प्रयास किया तो सच हम अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करके जनपद में विकास खंडवार पदयात्रा के साथ भ्रष्टाचार भारत छोड़ो मुहिम चलाई जाएगी एवं धरना और क्रमिक आमरण अनशन की भी रूपरेखा बनाई जाएगी। मौके पर वरिष्ठ शिक्षक नेता एवं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ टीका जी गुट के जिलाध्यक्ष श्री अजीत सिंह टीका, जिला मंत्री सुरेश यादव, नगर अध्यक्ष जूनियर शिक्षक संघ श्री बाबूलाल यादव, श्री रमेश सिंह फौजी, श्री मिथिलेश सिंह, श्री अजय लाल जायसवाल, श्री शमशेर सिंह, श्री प्रमोद पटेल, श्री अजीत तेवर, श्री राधेश सिंह सहित तमाम नगर ब्लॉक शिक्षा मौजूद। अन्य शिक्षक भी शशिकांत, संजू सोनकर, जाहिर अभ्यास भी मौजूद रहे। भौदी प्रमोद सिंह फौजी। बीएड 2004-05 में टेम्पर्ड मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी याचिकाओं के अंतरिम आदेश से वेतन भुगतान करने के सख्त आदेश। अंबेडकर विश्वविद्यालय बीएड 2004-05 आज दिनांक 11 जुलाई 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेम्पर्ड साथियों के केस की सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंटों को पिछले 9 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि वे लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अधिकारियों के इस तरह के व्यवहार से मेरे क्लाइंट मानसिक रूप से परेशान है। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी याचियों के अंतरिम आदेश से वेतन भुगतान करने के सख्त आदेश दिए हैं। प्रसिद्धि स्कूल के शिक्षकों और बच्चों की बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, स्कूलों को मिलेंगे टैबलेट। प्रयागराज प्रसिद्धि स्कूलों को हाईटेक बनाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू हो गया है। प्रसिद्धि स्कूलों के हेडमास्टर, शिक्षक व ARP एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को टैबलेट दिया जाएगा। इससे शिक्षकों और बच्चों को बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। स्मार्ट स्कूल तैयार करने के साथ हर स्कूल में 2 टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा BRC पर तकनीकी सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रतापगढ़ जिले में इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। शैक्षणिक गतिविधियों का ऑनलाइन ब्यौरा बनेगा। प्रतापगढ़ के जनपद में कुल 2372 प्रसिद्धि विद्यालय हैं। इनमें 1636 प्राइमरी, 362 उच्च प्राथमिक तथा 374 कंप्यूटर विद्यालय हैं। हर विद्यालय के हेडमास्टर सहित 2 शिक्षकों को टैबलेट दिए जाएंगे। इसी से बच्चों व शिक्षकों को बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी। इसके साथ ही 84 ARP एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को भी टैबलेट दिया जाएगा। टैबलेट के माध्यम से उपस्थित के साथ अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का भी ऑनलाइन ब्यौरा तैयार किया जाएगा। BRC की निगरानी करेंगे तकनीकी सुविधा केंद्र। BRC पर निगरानी के लिए तकनीकी सुविधा केंद्र स्थापित होंगे। हर केंद्र के लिए 2.40 लाख का बजट तय किया गया है। इससे स्कूलों को जोड़ा जाएगा और हर स्थिति पर नजर रखी जाएगी। राज्य स्तर पर विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित होंगे, जिससे हर स्कूलों की निगरानी की जाएगी। परीक्षाओं का रिजल्ट भी दर्ज होगा। अब राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम विद्या समीक्षा केंद्र में प्रतिदिन शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी दर्ज की जाएगी। हर 3 माह पर होने वाली परीक्षाओं का रिजल्ट भी यहाँ दर्ज होगा। स्कूल चलो अभियान, स्कूलों की मान्यता, शिक्षकों के शिक्षणेतर कामों को कम करने में मदद मिलेगी। प्राइमरी व जूनियर स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को टैबलेट दिए जाने की योजना में विस्तार करते हुए प्रधानाध्यापक के अलावा स्कूल के एक और शिक्षक को टैबलेट दिया जाएगा। टैबलेट से बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जाएगी। इसे कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। BSA बोले, बच्चों व शिक्षकों को बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था जल्द शुरू होगी। प्रतापगढ़ के BSA भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जनपद के सभी प्रसिद्ध स्कूलों में हेडमास्टर और एक शिक्षक को टैबलेट दिया जाएगा। इससे बच्चों व शिक्षकों को बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। जल्दी यह व्यवस्था लागू की जाएगी। भोजन व ड्रेस की समस्या पर छात्रों ने किया हंगामा। काछौना कस्बे में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय विद्यालयों में छात्रों ने अव्यवस्था के विरोध में शुक्रवार को हंगामा किया। छात्रों का कहना है कि भोजन, ड्रेस, पंखा और अन्य सुविधाएँ नहीं हैं। आवासीय परिसर में हंगामा करने के बाद विद्यार्थियों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मदद मांगी। इस पर संडीला से जिला संयोजक मणि सिंह सोम त्रिपाठी छात्रों को लेकर DMC मिलने के लिए निकल पड़े। वह लोग बालामऊ क्रॉसिंग तक पहुंचे, तभी स्कूल के शिक्षक पहुंच गए। उन्होंने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। इसकी सूचना पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट स्वाति शुक्ला मौके पर पहुंची। उन्होंने छात्रों की समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्रावास और विद्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया। शिक्षकों की लापरवाही सामने आने पर फटकार लगाई। छात्रावास अधीक्षक PN पांडे का कहना है कि प्रधानाचार्य राजू गुप्ता मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भर्ती हैं। टीम बनवाकर DM CDO SDM समेत कई अधिकारियों ने किया बेसिक स्कूलों का निरीक्षण। 3 शिक्षक मिले गैर हाजिर। कन्नौज जिले भर में प्रसिद्ध स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए 42 अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। सभी ने मिलकर 84 प्राथमिक, जूनियर और कंपोजिट स्कूलों का निरीक्षण किया। इसमें 2 शिक्षक और एक शिक्षा मित्र गैर हाजिर मिले। DM सुभ्रांत शुक्ल ने शुक्रवार को ब्लॉक सदर क्षेत्र के प्राथमिक और जसौरा का निरीक्षण किया। यहाँ पंजीकृत 92 छात्र छात्राओं में 17 उपस्थित थे। छात्र छात्राओं को कम संख्या पर पंजीकरण बढ़ाने के निर्देश दिए। शिक्षक अनुपात में भी छात्रों को संख्या संतोषजनक नहीं मिली। कक्षा 3 के छात्रों ने हिंदी के सवालों के सही जवाब दिए। कक्षा 5 के सभी छात्र गणित के प्रश्न हल नहीं कर सके। CDO आर्यन ने कन्या प्राथमिक स्कूल ऋतुकाला का निरीक्षण किया। यहाँ सहायक अध्यापक अनुराधा अवकाश पर थी। पंजीकृत 94 में से 64 स्कूल छात्र स्कूल में थे। प्राथमिक स्कूल चौधरियापुर में CDO को पंजीकृत 107 बच्चों में 78 उपस्थित मिले। दोनों विद्यालयों में साफ सफाई सुधारने को कहा गया। शिक्षकों को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए। SDM सदर उमाकांत तिवारी ने ब्लॉक जलालाबाद क्षेत्र के इंग्लिश मीडियम प्राथमिक स्कूल जसपुरापुर सराया का निरीक्षण किया। देर शाम सभी अधिकारियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट CDO आर्यन सिंह व BSA कार्यालय में दी। उसके बाद BSA कार्यालय की ओर से DM सुभ्रांत शुक्ल को निरीक्षण आख्या दी गई। निरीक्षण में प्राथमिक स्कूल सिकंदरपुर की सहायक अध्यापक शिवा और शिक्षा मित्र मीरा देवी गैर हाजिर मिली। प्राथमिक स्कूल गुमटिया में सहायक अध्यापक बेबी अहिरवार भी अनुपस्थित मिली। सूचना विभाग के मुताबिक 3 गैर हाजिर शिक्षक व शिक्षा मित्र का वेतन व मानदेय रोक दिया गया है। महिला शिक्षा मित्र ने एडवांस में किए विद्यालय रजिस्टर पर हस्ताक्षर, हुई कार्रवाई। एटा ब्लॉक सकीट क्षेत्र के गांव थरौली स्थित कंपोजिट विद्यालय में तैनात एक शिक्षा मित्र ने उपस्थित रजिस्टर पर एडवांस में 25 जुलाई का हस्ताक्षर कर दिया। इसकी जानकारी होने पर BSA ने रजिस्टर को तलब कर लिया और संबंधित शिक्षा मित्र के खिलाफ कार्रवाई कर 1 माह का मानदेय रोका गया है। कंपोजिट विद्यालय थरौली में कार्यरत शिक्षा मित्र ममता देवी द्वारा उपस्थित रजिस्टर पर सोमवार के कालम में एडवांस हस्ताक्षर कर दिया। रजिस्टर पर अग्रिम हस्ताक्षर होने
की जानकारी होने पर जिला बीएससी शिक्षा अधिकारी ने रजिस्टर को तलब कर लिया। बीएसए ने शिक्षा मित्र से रजिस्टर पर एडवांस में हस्ताक्षर करने का कारण पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका। बीएसए संजय सिंह ने बताया कि कंप्यूटर विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र ममता देवी द्वारा रजिस्टर पर एडवांस में 25 जुलाई के कालम में गलत तरीके से हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें सुबह 7:30 बजे का समय डाला गया है। शिक्षा मित्र के खिलाफ कार्रवाई कर 1 माह का मानदेय रोका गया है। अन्य विद्यालयों का भी औचक निरीक्षण भी कराया जाएगा। तो दोस्तों, यह रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।